के हरीश शुक्काने पूरे देशवासियों को। मेरा नाम अरुण हरियाणी है, मैं अहमदाबाद गुजरात से आया हूँ। अच्छा, गुजरात से आप आए हैं। आपका हमने देखा कि रिश्ते शिकाहार सुबह सवेरे अभी 5 बज गए हैं, और क्या क्या मकसद है ये इसका? हर बार मैं लगातार इसी साल 2022, 2023 और 2024 में मैं लगातार तीसरी बार यहाँ पर आया हूँ, और हर बार लोगों से मिलता हूँ यहाँ के लोगों से, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगता है लोगों को। जी अच्छा, ये जो पेंट हमने किया, हमने आपको बहुत सारे क्रिकेट्स में हमने देखा, इंडिया पाकिस्तान था, इंग्लैंड में हमने देखा, आपकी तस्वीरें हमने उसमें देखी, लेकिन क्या हम माने कश्मीर के अंदर 2019 के बाद पहली मर्तबा हम आपको देख रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। मैं 2022 से जब मैं आया था, कभी मैं यहाँ पर लाल चौक से फिर चला जाता था। कल मैं जैसे डलग में मैं गया, वहाँ पर घूमा, वहाँ के लोगों से मिला था, और वहाँ से लोगों से बातें भी की। काफ़ी अच्छा लगता है, यानी यहाँ के लोगों को भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग। खैर, वो 370 से पहले हम पहले सुनते थे माहौल ख़राब हो जाता था, कोई भी स्टेट के लोग नहीं आते थे, पर मैं लगातार 2022 से लेके 2024 तीसरी बार में आया हूँ, और मैं अकेला आता हूँ। अच्छा, अकेले आते हैं? अकेला आता हूँ, और मैं पिछली बार 2023 में सुबह 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक में यहाँ पर। अच्छा, ये बनाने में कितना वक्त लगता है, तिरंगा बनाने में कितना वक्त लगता है? कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं। 4 घंटे लगते हैं? तो आप आज कितने बजे उठे, रात को सोए भी या नहीं? नहीं, मैं करीबन सुबह रात को मैं करीबन 2 बजे पेंटिंग करना चालू कर दिया। अच्छा, पेंटिंग खुद ही करते हैं या कोई भी? पूरा सब मैं खुद ही करता हूँ, और मैं इंडियन आर्मी का भी पीछे परमानेंट टैटू है, मैंने कुछ टैटू भी कराया। अच्छा, इंडियन आर्मी का। अच्छा, ये जज्बा कब से पैदा हुआ, और कब से ये हुआ कि जनाब हमें भी अब तिरंगा जो है अपनी पीठ पर बनाना है, अपनी बॉडी पर, चेहरे पर बनाना है? मैं जब से मैं अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का सबसे बड़ा स्टेडियम में हर क्रिकेट मैच में होता हूँ, वहाँ पर अहमदाबाद में ही होता हूँ हर क्रिकेट में, जब भी मैच होता है मैं चेकअप करने जाता हूँ। तो मेरा एक मन में आया था, मैं जम्मू कश्मीर के वीडियो देखता था मैं, तो किसी ने मेरे मन में आया मैं एक बार मैं जम्मू कश्मीर जाऊँ, लाल चौक जाऊँ, और वहाँ पर मैं तिरंगा ले रहा हूँ। 2000 फिर मैं भाई से मैं यहाँ पर आया, बहुत जने मेरे को बोला वहाँ पे मत जाओ और माहौल कुछ ख़राब होता है, तो मैंने बोला नहीं, मैं जाके दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा, वहाँ पर मैं तिरंगा भी ले रहा और वहाँ के लोगों से भी मिलूंगा, सब आपको बातें बताऊंगा। तो वहाँ पे कभी लोगों से काफ़ी अच्छे लोग आए यहाँ से, और बातें इसलिए मैं तीसरी बार भी यहाँ पर आया। अच्छा, चले घंटाघर के बीच इर्द गिर्द कश्मीरी लोग, आयोमी आज़ादी की तकलीफ कैसा लग रहा है? बहुत बहुत बढ़िया लगता है। मैं कभी मैंने नहीं सोचा था मैं गंडागढ़ में जाऊंगा, वहां पर तिरंगा ले रहूँगा, और मैं तीसरी बार में आया हूं, और जैसे जैसे मुझे प्यार मिलता है मैं हर बार में आऊंगा। अच्छा, यहां के लोगों का वातावरण कैसा रहा इस सिलसिले में? आप पिछली साल भी हमने आपको यहां पर देखा, तो कैसा रहा, कैसा कॉपरेट रहे यहां के लोग आपके साथ, किस तरह की तस्वीरें ली आपने? काफ़ी अच्छे, काफ़ी जैसे 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 मैं आता जाता हूँ, जैसे अलग अलग लोग मिलते, जैसे जैसे 2022 में आया था तो 2023 में लोग मिले, 2023 में मैं आया तो 2024 में कल ही मुझे वो लोग मिले। आता रहता हूँ तो लोगों से भी अच्छी मुलाकात रहती है, और उनके बाद मेरी हर बार फोटो रहती है। वे 2022 से जैसे मैं कल यहाँ पर गया था तो मेरे को एक शख्स मिले, बोला आपकी 2022 से मेरी फ़ोटो है, तो मैं खुश हुआ कि 2022 से उसने मेरी फ़ोटो संभाल के रखी है अपने साथ, तो एक खुशी होती है, जैसे बहुत 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 अच्छा लगता है। पूरे देशवासियों के लिए क्या पैगाम रहेगा? मेरे पूरे देशवासियों को पैगाम यही रहेगा, जैसे हर स्टेट के लोग यहाँ पर आइए, पहले सोचते थे भाई कभी कभी माहौल ख़राब हो जाए, ऐसा नहीं, पूरा कश्मीर बदल जाए।